नहीं तो पीने का पानी है गांव में। कोई मंत्री कोई आके यह आश्वासन नहीं देता कि मैं यहाँ पर आपके पेयजल के लिए कर रहा हूँ। पानी था पहले नदी में तो पानी का लेवल ऊपर था, अब बजरी खत्म होने से जल स्तर भी गिरा गया। पहले ठेकेदार आया था, उसे चोर कुत्ता करके बजरी ज्यादा उठा ली, जितनी उठानी थी ना उतनी उससे ज्यादा उठा ली, आज से ज्यादा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट थी। बनास नदी के ऊपर बने इस पुल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप इस नदी को देखें, ये नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। टोंक वालों के लिए ये सबसे बड़ा इशू है इस इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इस नदी में से इलीगल सैंड माइनिंग होती है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से जो बालू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सैंड निकाला जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बैन है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से जो सैंड माइनिंग है उसको बैन किया हुआ है। उस बैन होने के बावजूद यहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही है। सैंड माइनिंग टोंक की एक लाइफ लाइन रही है बनास, तो उस नदी की खासियत यही रही है कि वहाँ बहुत अच्छी सैंड मिलती है और बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में सैंड मिलती है, इस वजह से पूरे इंडिया में उसकी डिमांड है। बजरी रहती थी तो पानी था पहले नदी में, तो पानी का लेवल ऊपर था, अब बजरी खत्म होने से जल स्तर भी गिरा गया, पानी भी खराब हो गया, पूरा पानी फ्लोराइड है, पीने जैसा कहीं पर भी पानी नहीं है। यहाँ पर आसपास में सारा बिसलपुर का पानी आ रहा है, यहाँ पर वो भी नहीं आ रहा। ठेकेदार आता है, पानी डाल देता है और वापस उठा ले जाता है कि नहीं यहाँ नहीं डलेगी। बिसलपुर डैम बन गया, बिसलपुर डैम बनने के बाद यहाँ पानी का स्टोरेज कम होता चला गया, स्टोरेज कम होने से सैंड ऊपर आ गई। ये बिसलपुर डैम जो है वो लाइफलाइन है राजस्थान के लिए, वाटर सप्लाई राजस्थान को इसी डैम से होता है, पीने का ड्रिंकिंग वाटर यहीं से सप्लाई होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में, ये बिसलपुर है, ये बिसलपुर नदी टोंक डिस्ट्रिक्ट में बहती है, लेकिन इस डैम से यहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जाता है। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे अजमेर और जयपुर है, वहाँ के लोग इस डैम के पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ज़िले के लोग इस डैम के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बिसलपुर से लाइन डालने के लिए यहाँ पर पॉइंट डाल दिए थे, उनको उठा के ले गए और आज दिन तक भी लोग परेशान हो रहे पानी से। दूसरा, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, बड़े बड़े नेता आते हैं या फैक्ट्रियाँ खोल देंगे, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ ले दे के पत्थर वो बजरी का धंधा है, इससे अपना पेट व्यापन करते हैं लोग बाग। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, आगे समझ में, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही नहीं। पहले ठेकेदार आया था, उसे चोर कुत्ता करके बजरी ज़्यादा उठा ली, जितनी उठानी थी ना उतनी उससे ज़्यादा उठा ली, आज से ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट थी। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जब सैंड थी तो उसमें पानी रहता था नीचे, उसकी वजह से यहाँ बहुत सारी फसल होती थी, खरबूजे की, ककड़ी की, सब्जियों की, वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई है। कांग्रेस के टाइम के अंदर नदी के जो तीर थे उसके ऊपर जो गांव हुआ करते थे, हर गांव अपने तीर, तीर से मुराद जो सरहद थी उस गाँव की, उसके सामने रेता उठाया करता था, रेता लेबर उठाती थी पब्लिक, और पब्लिक को पैसे मिलते थे, तो वो हर गांव के अंदर खुशहाली थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद यहाँ का जो लोकल एमएलए था राजेंद्र गुर्जर, जो टोंक का था, और जौनपुरिया जो कि हरियाणा से आया था, इन्होंने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इन्होंने पूरी नदी बीसलपुर से लेके और आपके ईसरदा तक इन्होंने एक ही जने का इसको ठेका दे दिया, एक ही जना रबन्ना काट रहा है, एक ही जना उठा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जो कि 5-5 मिनट में बड़े बड़े ट्राले भर देते थे। इससे क्या हुआ कि गांव के अंदर बेरोजगारी हो गई, गांव के अंदर जो पानी 12 महीने नदी में रहता था, खेती ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16/11/2017 को बजरी खनन पर रोक के उपरांत संबंधित जिम्मेदारी इलीगल को रोकने की
मेरे विभाग की रही, प्रशासन की भी रही इसमें, तो प्रशासन और खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यहाँ इलीगल माइनिंग को रोकने के भरसक प्रयास किए। मेरे पास में बहुत कम संसाधन है, एक गाड़ी है मात्र, विजिलेंस विंग का अफसर भी बैठते हैं लेकिन उनके पास एक LDC दे रखा है और उनके पास कोई संसाधन नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। हम यहाँ पे दो ऑफिसर हैं, AME विजिलेंस है, मलिक उस्तर जी, दोनों का चैलेंज ये रहता है कि हम दोनों साथ जाते हैं, नाइट चेकिंग भी करते हैं, दिन में ऑफिस भी संभालते हैं, लेकिन अवध खनन माफिया है ना, भारी मात्रा में यहाँ पे है ना, हमारे आगे पीछे स्कॉर्टिंग करते हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे घुमाते हैं, हमारे मेरे हमला भी हुआ है, 2-3 बार हमला हो चुका है यहाँ पे। रिसेंट अटैक रात को जैसे मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत RSC के जवान लेकर के नदी क्षेत्र में गया और अचानक ही मेरे ऊपर 3 गाड़ियों ने है ना 8-10 हमलावर आए और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, सरकारी गाड़ी को डैमेज कर दिया मेरे को। 5 जवानों को उसमें चोटें आई है लेकिन उनको 5 जवानों को हमने हॉस्पिटल में लाया गया, उनका इलाज करवाया गया। उसके बाद में भी हम निरंतर कार्रवाई किया। अब अवध खनन करता तो यहाँ भारी मात्रा में घूमते हैं, हमारे पास में इतने संसाधन है नहीं है जिससे हम उनके खिलाफ मतलब झगड़ा कर सकें या ये कर सकें। ये बैन होने के बावजूद अभी बजरी का काम चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, कैसे हो जाता है? देखो ये तो अवैध चल रहा है, अवैध में तो क्या मिली भगत से चलता है, ये तो कोई किससे मिलता कोई किससे मिलता है इस हिसाब से चल रहा है। लेबर तो आज भी बेचारी बेरोजगार है, लेबर तो आज भी बेरोजगार है। अब जैसे इसरदा बांध की सूचना आ रही है कि इस पर काम चल रहा है, तो ये इसरदा बांध बन जाए तो इससे भी हमारे थोड़ा बहुत पानी का यहाँ रिचार्ज हो जाएगा, तो इससे नीचे पानी का जलस्तर ऊँचाएगा तो हमारे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे बिसलपुर हमारे पास में है, इससे भी लाइन डल जाए तो ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई विधायक कोई मंत्री कोई आके यह आश्वासन नहीं देता कि मैं यहाँ पर आपके पेयजल के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वादा करके चल जाते हैं वापस नहीं आते। देखिए टोंक के विकास के ऊपर टोंक की पब्लिक वोट करेगी। पिछले 5 साल के अंदर जो बीसलपुर राजस्थान को 60% पानी पिला रहा है, टोंक की 7 कौमें आज प्यासी मर रही हैं। जो बरौनी के सामने ईसरदा डैम है, पिछले 5 साल से BJP सरकार ने नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है कि यहाँ का जो MP है जौनपुरी हरियाणा का, रेते के चक्कर के अंदर, क्योंकि वो रेते का तस्कर है, बनास नदी का रेता पूरा अब इस 5 साल के अंदर वो यहाँ से ले गया। कई लोग ये मानते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों कुछ भी हों, लेकिन जो आम लोग हैं उनको उस सब से मतलब नहीं है, वो इतना सा चाहते हैं कि कैसे भी करके माइनिंग चलती रहे तो उनका रोज़गार चलता रहे, और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए यकीनन ये बड़ी दिक्कत वाली बात है और इसका नुकसान या इसका असर जो है वो इलेक्शन पर दिखेगा। बरसात बहुत कम मात्रा में हुई, इससे बरसात कम होने से कुओं की लोकल जो रिचार्जिंग है वो नहीं के बराबर हो गई, और जो लोकल पानी है एक कारण तो रिचार्जिंग कमी, दूसरा कारण बजरी खनन इतना ज़्यादा हो गया कि नदी के अंदर पूरा पानी ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो टोंक का मेन सोर्स था हमारा बनास नदी, केवल अभी वर्तमान में टोंक में प्रतिदिन की डिमांड हमारी 27 MLD की है, जिसकी जगह मेरे को केवल मात्र 12 MLD पानी वहाँ से बिसलपुर से मिल रहा है। 1 MLD का मतलब 10 लाख लीटर, 27 MLD मतलब 270 लाख लीटर की डिमांड है रोजाना की प्रतिदिन की, और आज की तारीख में 120 लाख लीटर पानी हमारे को मिल रहा है। तो अगर कम से कम 18 MLD भी पानी भी मिल जाए टोंक शहर को तो गर्मी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं होगी। हालांकि हमने इस क्राइसिस से निमटने के लिए ट्यूबवेल भी सेंक्शन करवाए हैं, उनका काम भी अब शुरू होने वाला है, काम आ गया है, ठेकेदार ने लेआउट भी ले ली बहुत दिनों से, पर वो मशीनें उनकी ऐसे ही थी तो वो अब सही करवा के काम जल्दी शुरू कर देंगे, तो जितना जल्दी होगा हम करवाने की कोशिश करेंगे पूरा। ट्यूबवेल सैंक्शन जो कराया है तो वाटर में ग्राउंड लेवल क्या है, यहाँ पे वाटर लेवल क्या है? वाटर लेवल वर्तमान में यहाँ से 30 से 35 मीटर के बीच में, 30 से 35 मीटर गया, वो जो जो पानी की जो मेन आमद है वो बहुत कम है, 6 से 8 हज़ार लीटर पर आवर मिल जाए तो बहुत बढ़िया ट्यूबवेल माना जाता है वो अभी आज की तारीख के अंदर। बारिश पिछले साल नहीं हुई, बीसलपुर बढ़ने के बाद से लेके आज तक 4 बार बारिश नहीं हुई है, और जब बारिश होती है तो मैंने आपसे ये कहा कि जो बीसलपुर में स्टोरेज होता है उसका 4 गुना पानी ये फेंक देते हैं,
इसके अलावा बीसलपुर का पानी आप टोडी सागर में डाल सकते हैं, उसके अंदर मुश्किल से 25 से 30 करोड़ का खर्चा है कच्ची नहर का। आपका पूरा पेबलू तहसील जो है उस डैम से जो है अपनी प्यास मिटा लेगा। वहाँ क्या है, वहाँ राजपूतों का बोलबाला है, वहाँ ये गर्मी में करते हैं तरबूज, और बीजेपी क्योंकि राजपूतों के करीब है, वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे राजा महाराजा जो भी जागीरदार हैं बीजेपी के नेताओं से मिले हुए, और उस बंदे को भरने नहीं देते। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो ये है कि जो बिसलपुर डैम है इससे आप अजमेर को पानी दे देते हैं, जयपुर को पानी दे देते हैं, लेकिन बिसलपुर टोंक में है, टोंक को पानी नहीं मिलता है। ये लोग कहते हैं, टोंकीज जो यहाँ के लोकल है कहते हैं, ये हमारा रिसोर्स दूसरी जगह दिया जा रहा है, ये हमारे साथ इनजस्टिस है। ऐसा क्यों? इस मामले में मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि पूरा राजनीतिक मामला है और ऊपर के लेवल पे डिसाइड होना है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। सोल्यूशन क्या है और क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा है अगर वो सोल्यूशन को वो किया जाए, या फिर सब पेपर वर्क ही है, या ग्राउंड पे कोई सोल्यूशन निकलता हुआ आपको दिख रहा है? इसके सोल्यूशन, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए या तो इसरदा डैम का निर्माण अतिशीघ्र हो जिससे उसमें पानी रुके, तो डैम का इसरदा डैम जो टोंक के डाउन स्ट्रीम में, जब इसमें पानी रुकेगा तो यहाँ के लोकल जो कुएं हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, उनका रिचार्जिंग बढ़ेगा तो टोंक को पानी मिल जाएगा। या फिर बिसलपुर में क्योंकि पानी सूखने की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको किसी ऐसी नदी से जोड़ा जावे जिसमें 12 महीने पानी बहता है, उस पर काम किया जाना, वही जब ये ऊपर के उच्चाधिकारियों के उच्च लेवल का मामला है।